तो मेरा चैनल जब पहले ओपन किया है तो मेरा वीडियो जब अपलोड कर दोस्तों, अगर आप एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर्स है और आपके चैनल पर आपने ज़रूर वीडियो अपलोड करते होंगे। और दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि एक एक वीडियो अपलोड करने के बाद जो नया चैनल है, नया चैनल के ऊपर एक एक वीडियो अपलोड करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 व्यूज आता है और उसके बाद वीडियो जो है वहीं पर रुक जाता है। तो असली वजह क्या है कि आखिर वीडियो पर व्यूज़ क्यों नहीं आता है? आपने तो जितना टेक्निक है, जो भी है, आपने ट्राई करके देख लिया है। तो आज मेरे पास एक शख्स आया है और इन्होंने काफ़ी टाइम यूट्यूब पर मतलब समय बिताया है, यानी कि टाइम स्पेंड किया है, फिर भी इनके जो चैनल है बिल्कुल ग्रो नहीं हो रहा है और लगभग 1 से 1.5 महीने से मतलब ये ग्रो होना शुरू हुआ है। तो आखिर कैसे मतलब इन्होंने उनके चैनल पर क्या ट्रिक्स यूज़ किया है और जिसके कारण इनका जो चैनल है वो ग्रो करना शुरू किया है, आज इसके थ्रू जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि आखिर आपके चैनल पर अगर व्यूज़ नहीं आ रहा है तो आपको क्या ट्रिक्स, क्या प्रोसेस, क्या मतलब टैलेंट आपके चैनल पर आपको यूज़ करना है, मैं इसके थ्रू आपको सुनाना चाहूँगा और आप भी ज़रा आपके चैनल पर उसके बाद आप काम कर सकते हो और आपके जो चैनल है आप ग्रो भी कर सकते हो। क्योंकि मैं इसके रिलेटेड और भी कुछ आपको कहना चाहता हूँ, जैसे कि लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इनकी जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर काम करते हुए, और वीडियो कितना आपने अपलोड किया है? वीडियो 150 वीडियो अपलोड कर चुका है। और सब्सक्राइबर्स कितना है आपके चैनल पर अभी? 450, यानी कि 450 सब्सक्राइबर्स है। और जब फर्स्ट टाइम आपने वीडियो अपलोड किया है तो उस टाइम कितना व्यूज आता है? नहीं, 2-3 व्यूज, 10 व्यूज, हाईएस्ट 10 व्यूज ऐसा ही आता है। अच्छा, तो ज़रूर आपको पता होगा कि अगर आप एक न्यू क्रिएटर से और आपके चैनल पर वीडियो अपलोड करने के बाद व्यूज़ नहीं आ रहा है तो आखिर रीज़न क्या है, किस रीज़न की, किस कारण से वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है, ये आज हम आपको बताएंगे इसके थ्रू। और आप ज़रा सुनिए और उसके बाद, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि देखिए, जो भी नया चैनल होता है, एक एक नया चैनल पर वीडियो अपलोड करने के बाद बिल्कुल व्यूज़ नहीं आता है। जो भी एसईओ करना है, थंबनेल वगैरह बनाना है, टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, सब कुछ सही करने के बावजूद वीडियो पर बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते हैं, तो जो रीज़न है, रीज़न आज इनके पास से जानेंगे। तो आप ज़रा बताइए कि आपने कितना मेहनत किया है और लगभग कितना साल हुआ है? पूरा 1 साल हो गया मेरा यूट्यूब चैनल ओपन किया है, लेकिन लगातार हम वीडियो अपलोड करते रहा है। तो पहले 10-20-25 ऐसा व्यूज आता है मेरा वीडियो में। तो मेरा चैनल बंगाली है, हम तो इतना सॉलिड नहीं है हिंदी में, इसलिए मेरा बंगाली चैनल ही है। लेकिन अभी से थोड़ा थोड़ा व्यूज आ रहा है मेरा वीडियो में। तो आखिर आपके चैनल पर क्या ऐसा आपने ट्रिक लगाया है और जिस ट्रिक्स की मदद से, यानी कि जिस ट्रिक्स के थ्रू आपके चैनल जो है अभी आपने ग्रो कर पाया है? मेरा जो ऑडियंस मेरा वीडियो देख रहा है, ज़रा आप बताइए ऑडियंस को। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इनके जो चैनल है बंगाली लैंग्वेज मतलब वीडियो पर यूज़ करता है, तो हिंदी बात करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल माइंड नहीं करना है फ्रेंड्स। तो मैं अभी मतलब लाइव करके पूछता हूँ कि आखिर क्या ऐसा ट्रिक्स लगाया है कि जिस ट्रिक्स की मदद से ये चैनल जो है मतलब काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मैंने खुद एक बार चेक किया है आज और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि अगर आप भी एक न्यू क्रिएटर से और आपके चैनल पर जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो वीडियो अपलोड करने के बाद होता क्या है कि बिल्कुल व्यूज़ नहीं आता है, 7 से 8 व्यूज़ आता है और उसके बाद वीडियो जो है वहीं पर रुक जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है और इन्होंने आखिर क्या ऐसा ट्रिक लगाया है जिस ट्रिक्स के कारण से मतलब इनका जो चैनल है अभी मतलब तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो मैं ज़रा पूछता हूँ, तो ऑडियंस को ज़रा बताइए। तो मेरा चैनल जब पहले ओपन किया है तो मेरा वीडियो जब अपलोड करता है कोई ट्रिक्स नहीं यूज करता है मैं, तो मेरा वीडियो में 5 व्यूज 10 व्यूज ऐसे आता है। तो बाद में मेरा जो चैनल है उसी का तरीका से, जितना चैनल सब हम चेक किया है, तो
तो उसी का डिस्क्रिप्शन कैसे लगाया है, उसी का टैग कैसे लगाया है, उसी का थंबनेल कैसे लगाया है, वो चेकिंग करके अभी जितना वीडियो मेरा अपलोड करता है उसी का तरीका से मेरा वीडियो में डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग, थंबनेल ऐसे लगाया है। अभी से मेरा वीडियो में व्यूज आना शुरू हो गया। तो एक्चुअली ये मतलब इनके चैनल पर आखिर क्या ट्रिक्स लगाए हैं, मैं आपको ज़रा क्लियर से बताना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, मतलब इन्होंने जब फर्स्ट टाइम चैनल ओपन किया है, तो ओपन करने के बाद लगभग मतलब बिना मतलब ट्रिक्स यूज़ करते हुए चैनल पर वीडियो अपलोड किया है। और वीडियो जब मतलब लगभग 100 वीडियो अपलोड किया है, तो 100 वीडियो अपलोड करने के बाद इनका दिमाग में एक मतलब सोच आया है कि मैंने इतना तो वीडियो अपलोड कर दिया है, आखिर मेरा वीडियो पर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके बाद इन्होंने काम किया है, ये बहुत मतलब एक घटिया दिमाग लगाया है मेरे हिसाब से, कि इन्होंने ये चीज़ मतलब फॉलो किया है कि इनके रिलेटेड जो भी चैनल है यूट्यूब पर सर्च करके चेक करना शुरू किया है कि मेरा रिलेटेड जो भी चैनल है इस चैनल पर कितना व्यूज़ आ रहा है और कितना व्यूज़ आते हैं डेली चेक करना शुरू किया है। तो जब उन्होंने चेक किया है, तो चेक करने के बाद इनके दिमाग में एक ही चीज़ आया है कि मेरे रिलेटेड सेम चैनल है लेकिन मेरा चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहा है और उनके चैनल पर इतना व्यूज़ कैसे आ रहा है। तो इसके बाद इन्होंने पता लगाया है कि ये जो चैनल है, जिस चैनल चेक किया है, ये जो चैनल है, चैनल की पूरा डिस्क्रिप्शन, टैग, टाइटल, थंबनेल सारा कुछ मतलब गौर से चेक किया है। चेक करने के बाद जब इनको पता चला कि मैंने तो गलती से मतलब वीडियो अपलोड कर रहा है और इसी की वजह से मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके रिलेटेड जो भी चैनल है, जैसे कि मान लीजिए आपके चैनल कुकिंग रिलेटेड है या टेक रिलेटेड है या एजुकेशन रिलेटेड है या एंटरटेनमेंट रिलेटेड है या कॉमेडी रिलेटेड है, तो जो भी रिलेटेड चैनल आपके पास है उसी के रिलेटेड चैनल जाके यूट्यूब पर सर्च करना है। और सर्च करने के बाद जो नया चैनल है, बिल्कुल नया चैनल है और अचानक से नया चैनल पर व्यूज़ आना शुरू हुआ है, उस चैनल जाके विजिट करना है और सारा कुछ एक बार चेक करना है कि आखिर क्या ट्रिक्स ऐसे लगाया है जिस ट्रिक्स की मदद से चैनल जो है मतलब जल्द से जल्द ग्रो कर पाया। तो इसी तरह दोस्तों आपको चेक करना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपकी जो वीडियो है, वीडियो की SEO जो है और थंबनेल जो है आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपकी जो थंबनेल है, आप जैसे तैसे एक थंबनेल मतलब आपने बना लिया है और उसके बाद आपकी वीडियो पर सेट किया है, तो भाई ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि आज की डेट में यूट्यूब पर काफ़ी कंपटीशन है और कंपटीशन के बीच में अगर आप चाहते हो कि सबके साथ आपकी जो चैनल है आप भी ग्रो करना है, तो आपको कुछ ना कुछ ट्रिक्स जो है फॉलो करना है और आपके चैनल पर अप्लाई करना है, उसके बाद दोस्तों जाके आपकी चैनल जो है आप ग्रो कर सकते हैं। और देखिए, जब एक चैनल पर 4000 एंड 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं होता है, जब आपके चैनल आप मोनेटाइजेशन नहीं कर पाते हो, तब तक आपके चैनल से आप एक पैसा भी अर्न नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मतलब बंदा ने जिस तरह मतलब ट्रिक्स इस्तेमाल किया है, आप भी सेम इसी तरह ट्रिक्स इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कीजिए, हो सकता है कि नेक्स्ट महीने से आपके चैनल जो है तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे आप। तो दोस्तों इनका जो चैनल है, इस चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूंगा, आप जाके चैनल जो है चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो चैनल है बिल्कुल बंगाली लैंग्वेज से मतलब वीडियो अपलोड करता है और वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये जो बंदा है देखने में जैसा लग रहा है बिल्कुल मतलब वीडियो में कुछ अलग है, जैसे कि मतलब जो थंबनेल वगैरह बनाता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, काफ़ी वैल्यूएबल लगता है। मेरी तरफ से ये बात मैं कहता हूँ कि काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी वैल्यूएबल लगता है। तो अगर आप चाहो तो इस चैनल आप जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो दोस्तों वीडियो आज के लिए वीडियो इतना ही।